तो क्या काफी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए एंड जब मैं ये अपना सेटअप वगैरह लगा रहा था इतने दिनों बाद मेरे को थोड़ा टाइम लग गया को फेस कैम वीडियो क्यूँ कर पा रहा था मैंने आप लोग को बताया था की आई वॉज हॉस्पिटलाइज मेरा हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो गया था बट या आप में से इतने सारे लोग मेरे गुड हेल्थ के लिए विशेष दिए फाइनली मैंने ऑलमोस्ट फुल्ली तरीके से रिकवर कर लिया बस कुछ डेज और एंड आई विल

शांत और गौतम गंभीर के बीच में काफी बड़ा सीन हो गया के के बेसिकली थे, थे। तो यहाँ से लगता है कि गौतम काफी हो थे, और, फिर और गौतम गंभीर के बीच में एकदम फेस टू फेस बातचीत भी हुआ वो लोग के बीच में वर्ड्स भी एक्सचेंज हुआ एंड आफ्टर द मैच श्रीशांत रिवील करके बताया कि गौतम गंभीर उनको बहुत बुरी बुरी चीजें बोले थे वो अपने लाइव स्ट्रीम में क्या कहे आप खुद सुन लो He kept on calling me on live television on the sender wicket. I have not used a single bad word. I have not even used a single abusive word to him. I have only said what are you saying? What are you saying? And I in fact, I kept laughing in a sarcastic way because he kept calling me fixer fixer. You are a fixer. You are, forgive my language, but fixer. This is the languages which is used on live, even, even he told the umpires the same language when they were trying to control him. In fact, I just moved away, but he kept on saying the same word again and again and again. तो and उन्होंने कहा की आपने सारे बाउंड्रीज को एक्सीड कर दिया एज अ स्पोर्ट्स मैन एंड एज अ ब्रदर आप इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो फिर भी आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों engage करते हो as a cricketer? मैंने सिर्फ

दिया का नाम होने वाला है टॉकसिक और यह मूवी रिलीज होगा टेंथ एप्रिल ट्वेंटी होगा तो चलिए इस लास्ट वाली आप लोग बता दिया था आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ उसका रीजन हिमांशी पोस्ट करके बता दी थी बट आफ्टर एलिजेटली इन दोनों के बीच में जो चैट हुआ था वो बाहर आया इस चैट में क्लियरली आसिम रियाज ये बोल रहे हैं कि आपको एक्चुअल रीजन बताना चाहिए हिमांशी बोलती है टारगेट करता तो आसिम बोलते हैं इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किए थे आप देख ही सकते हो उन्होंने भी यही बताया था तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में so guys, आप लोग को बताया था की तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अगेंस्ट बॉयकॉट ट्रेंड चल

कर के बारे में। तो एक्टर भूमि गई थी रणवीर के के शो में में एंड पर वो रिवील करके बताई एक इवेंट बस जाने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है भाई एक्टर्स का आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोली बहुत महंगे होते हैं कि, कितना होता है कुछ दस हजार के आसपासकी हाँ। like I mean, right? like, हो गई पंद्रह से बीस हजार गाड़ी वाड़ी हो गई पंद्रह से बीस हजार या जो विदास वट एवर हेयर मेकअप आर लाइक फॉर अ रेगुलर पर्सन स्पेंडिंग सेवेंटी फाइव एटी थाउजेंड फॉर एन इवेंट विच इज बेसिक लॉट यार है ना अब मैं कैसे अपनी मम्मी को जाके बोलूँ कि आप ये करो नहीं और बट ठीक है जुगाड़ क्या मैं हंस लो तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लिपकार्ट के बारे में तो फ्लिपकार्ट को एक कस्टमर को बीस हजार रूपए का फाइन देना पड़ा कंज्यूमर कोर्ट में एक कस्टमर ने केस फाइल किया के था फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कि वो एक शैम्पू को एम तो ने ये केस को जीत लिया एंड फ्लिपकार्ट को बीस हजार रूपए पे करना पड़ा टू द वुमेन तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एयरटेल के काफी बड़े मिस्टेक के बारे में रिसेंटली एक एयरटेल के कस्टमर ने पोस्ट करके बताया की वो डेली टू बिहार ऐसे ही ट्रेवल कर थी एंड अचानक से उनके फोन में एक लाख रुपए का इंटरनेशनल रोमिंग बिल आ गया अब शी इज एन इंडियन सिटीजन एंड वो इंडिया में ट्रेवल कर रही है तो इंटरनेशनल रोमिंग बिल कैसे आ गया भाई एक लाख रूपये का course, ये गलती था फ्रॉम एयरटेल एंड सॉरी भी बोला उनको सो so, या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीजन ने कम्पीट कर चुके it, के सब्सक्राइबर्स देन सरोज योगेश की दुनिया को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली फिजिक्स बाई पंकज सर को भी मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेन्स टू ऑल ऑफ देम तो चलिए आगे

character on GTA 6 just dropped the trailer today. You know they got that character with the face tattoos. You know who they got that inspired by. By me. Just look me up. Florida Joker, Miami Joker. You know what I'm talking about. GTA, we gotta talk. अब लोग ये बंदे का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं बहुत सारे ऐसे रिप्लाईज आ रहे हैं ग्रो थिंग्स इज विनिंग अ केस अगेंस्ट रॉक स्टार इजीएस्ट केस विन फॉर रॉक स्टार शोइंग की भाई उन्होंने फेस टैटूज वगैरह पूरा चेंज किया है एंड उनके फोरहेड में भी कुछ लिखा हुआ है तो उन्होंने सेम टू सेम एकदम छापा नहीं है रॉक ये केस को जीत जाएंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर्टिस्ट डैडी एंकी के बारे में तो डैडी एंकी अपने म्यूजिक करियर को क्विट करने वाले हैं जहाँ गए शायद आप लोग को ये आर्टिस्ट याद होंगे फ्रॉम द टो सॉन्ग ही वॉज फीचर्ड इन दैट सॉन्ग तो रिसेंटली

फिंगर दिखा दी थी गाइस जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो ऐसा एक्चुअली में हुआ था एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबलीस वॉज मिस्टेक फ्रॉम दी एंकर एंड ऐसे बहुत सारे ब्लूपर मोमेंट्स होते हैं बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया यार एंड ये न्यूज एंकर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इस चीज के लिए सो so, या तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में यह से सपोर्ट करते रहना मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय